वे सभी विद्यार्थी जो चैनल से जुड़े हैं या आज वीडियो देखने के लिए तैयार हो गए हैं, उन सारे विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सभी विद्यार्थियों को ये बताना जरूरी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चल रहा था हम लोग मैथ में, और मैथ की समाप्ति कर रहे हैं, फिर विशेष में आप लोग आप मिलेंगे या फिर क्वेश्चन आप लोग राइज करेंगे। तो क्वेश्चन राइज करें तो साफ साफ थोड़ा सा क्वेश्चन लिखें, कारण कि क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीजें होती है जो स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं आप लोग, तो या तो हिंदी में ही लिखते हैं तो पूरा हिंदी में लिखिए, या आप इंग्लिश लिखते हैं तो पूरा इंग्लिश में लिखिए। अब आप लोग वैसे पद लिख देते हैं जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। इसलिए क्वेश्चन स्पष्ट या तो आप उसको फोटो करके भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, उससे पता चल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए विद्यार्थी, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज भर क्लास हम ले रहे हैं, और जो दिक्कत है कुछ उसको आज दूर कर दे रहे हैं। तो आइए आज क्लास समझने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी कलम निकाल लीजिए। और पहले यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ दो क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, आप लोग पहले लिख लीजिए, ठीक है, उस पर बताते हैं, आप लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी कि उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें, लिख रहे हैं उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें जो ए माइनस दो दो एवं बी दो आठ को मिलाने वाली रेखा को या रेखा खंड लिख दीजिएगा, रेखा खंड को चार समान भागों में विभाजित करता है। यह लगता है क्वेश्चन है, पहले हम लोग दो भाग को बांट रहे थे, आज हम लोग करेंगे चार भाग में उसको बांट दीजिए, कभी पांच भाग में बोल दे, सात भाग में बोल दे, और कहे कि उन बिंदुओं का निर्देशांक बताइए। तो पहला क्वेश्चन देखिए किस टाइप का है, और सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लेंगे सब विद्यार्थी। चलिए तैयार हो गए, कहता है कि यदि किसी त्रिभुज, देखिए ज्योमेट्री में भी हम लोग पढ़ना है, नाइन्थ क्लास के ज्योमेट्री में भी इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल विधि से। लेकिन इसे बताए हम लोग पहले भी कि ज्योमेट्री में जितना भी स्टेटमेंट होता है थ्योरम वगैरह, अगर तुम चाहो तो उसे नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, यानी ऑल टू ऑल को सिद्ध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो स्टेटमेंट आता है ज्योमेट्री में उसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। तो ये भी समझिए कि आपका ज्योमेट्री का ही एक स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 4-6, 3-2 एवं 5-2 हो तो सिद्ध करें कि उसकी माध्यिका उससे समान क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में बांटती है। लिखे क्वेश्चन, तो समझने के लिए तैयार रहिए। समझने से पहले चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ठीक है, एक करना नहीं भूलें, कारण कि आपका इसी से पता चलता है कि आप सारे कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड क्लास में है। जैसा कि आज सरकार के गाइडलाइन के माध्यम भी पढ़े होंगे आप लोग पेपर में, तो जानिए कि कोरोना को एक तुरंत समाप्त होने वाली नहीं है, हम लोग के ऑनलाइन एक ऐसी माध्यम है जो आने वाले समय में हमेशा आपको साथ देगा। ऑफलाइन का इंतजार मत करते रहिए, बराबर कहते हैं आप लोगों को कि पूरी वर्ष जो है कम बेस इसी तरह से होते चलेंगे, इसलिए ऑनलाइन से हम रेगुलर विद्यार्थी आप लोग जुड़े रहे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पहला नोट कर लिया आप लोग ने, तो चलिए सर विद्यार्थी बताइएगा, यहां से क्वेश्चन हमने लिए हैं, देखा जाए दो बिंदु है नहीं तो दोनों बिंदुओं का निर्देशांक बताइए, हम लोग क्या कर रहे हैं एक मिनट के लिए।
सही है, विद्यार्थी ने कहे तो कहता है कि ए एक बिंदु है और एक बिंदु देखा जाए बी है, ठीक है ना। ए का नियामक दिया है माइनस दो और दो दिया है, और बी का नियामक है चलिए दो और आठ है, ठीक है। कहता है कि दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पहले खींच दीजिए आप लोग, चलिए जी। अब उसके बाद कहता है कि देखिए इसको चार बराबर भाग में बांटना है, के बराबर भाग में, चार बराबर में समझना सब विद्यार्थी। तो देखिए चार भाग में लोग बांट रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक भाग हो गया, यहाँ पर देखिए दो भाग हो गया, और यहाँ बिंदु दिया तो बोलिए रेखाखंड के भाग में बढ़ गया, एक दो तीन चार हो गया कि नहीं। अब मानते हैं कि एक बिंदु गया P, एक बिंदु Q, एक बिंदु R, तो बताओ A और B तो रेखाखंड का प्रांत बिंदु हो गया, इसके अंदर में बताओ कितना बिंदु देना पड़ गया बोलो, यानी कि यहाँ पर A और B के बीच में के बिंदु दिया, तीन बिंदु, सही बोल रहे हो, P Q R, तो बताइए के भाग हो गया, एक AP हो गया, दूसरा PQ हो गया, तीसरा QR हो गया, और चौथा RB हो गया, नहीं पहला कहिए AP, दूसरा बताइए हो गया PQ, तीसरा हो गया देखिए QR हो गया, और चौथा जो हो गया RB हो गया, ठीक है ना। तो देखा जाए यही जो है तुम्हारा मतलब के दो बिंदु ले लिए हैं, यानी तीन बिंदु लिए हैं। अब आप भी लोग बताइए सभी लड़के यहाँ से कि यहाँ से आप लोग कहेंगे कि चलिए सबसे पहले हम लोग नियामक निकाल लेते हैं P बिंदु का, निकाल ले, तो बोलो P अगर लेके चलते हो तो AP तो हो गया एक भाग, आप पीछे के भाग हो गया तीन भाग हो गया कि नहीं। देखिए एक दो तीन, एक मतलब कि कहोगे P जो हो गया और AP को बोलेगा ना एक भाग आगे, तो कहेगा एक अनुपात तीन के अनुपात में है ना, के अनुपात में यानी विभाजित करता है, ये लिखोगे ना जी क्या करता है, विभाजित करता है। तो बोलेंगे सभी लड़के एक मतलब हो गया कि यहाँ पर बोले थे m अनुपात a, तो m के जगह पर एक हो गया और पीछे n के जगह पर हो गया तीन, नहीं इसलिए p का निर्देशांक लिखोगे, तो बोलेगा आगे में एक है और पीछे में कितना है तीन है, सिखाया ना तो लोगे एक का पीछे के भाग है तीन, तब पहले एक से गुना करोगे यहाँ तो गया एक गुना दो प्लस, यहाँ तीन से गुना करोगे आगे तो गया तीन गुना माइनस दो, ठीक है। आप बटे में एक प्लस एक तो हो गया एक प्लस तीन हो गया ना, फिर देखा एक में अब बाय निर्देशांक लीजिएगा तो एक गुना आठ हो गया, आप प्लस यहाँ तीन से दो में गुना करता है तो तीन गुना दो हो गया, और बटे में क्या वन प्लस हो गया तीन हो गया ना। तब बोले यहाँ से आइए P बराबर क्या लिखोगे, तो दो इकाई दो हो गया प्लस माइनस माइनस तीन दूनी छः हो गया, और बटे में देखिए चार हो गया, ठीक है। देखिए आठ इकाई आठ बोल दिया आपने जी, ठीक है ना, और प्लस हो गया तीन दूनी छः और बटे में हो गया चार, नहीं तब P बराबर आप बोलेंगे क्या जी, तब दो से छः गया तब माइनस चार हो गया, और बटे में चार कहेगा आठ छः चौदह हो गया, बटे में चार कहेगा चार से चार कट गया नहीं, और दो दूना चार और सात दूनी चौदह, यानी P का निर्देशांक कितना हो गया तब माइनस एक हो गया और सात बटे दो, क्लियर हो गया, ठीक है। ये किसका निर्देशांक निकाल दिए P का, आप निकालना है किसका Q का, Q पर आ जाएंगे सभी लड़के,
तब क्यू के बारे में क्या लिखोगे क्यू ले नीचे रख देखिए तब क्यू के आगे में क्या भाग हो गया दो भाग हो गया और दो भाग पीछे हो गया कि नहीं तो आगे भी दो भाग और पीछे भी दो भाग एकर मतलब कि क्यू जो हो गया वह एबी के मध्य बिंदु हो गया बीच बीच में हो गया कहिएगा कि क्यू जो है वह बताओ किसका एबी का हो गया मध्य बिंदु कौन बिंदु हो गया मध्य बिंदु हो गया ठीक है ना अब यहां पर बोलेंगे सभी लड़के मुझे कितने होने ये हां कितना है चल मध्य बिंदु का नियम का फार्मूला बोलिए क्या सिखाए थे याद है तो बोले थे कि x1 plus x2 बटे 2 अब y1 plus y2 बटे 2 ये फार्मूला है अब देखा जाए x1 की जगह a है और x2 की जगह a है तो लिखोगे q बराबर बोले कितना कि minus 2 plus यहां पर 2 और बटे में 2 हो गया y1 कितना है 2 अब y2 कितना है 8 और बटे में कहेगा 2 लिखोगे ना अब बोले सब लड़के 2 प्लस 2 और माइनस 2 तो 1 हो जाएगा 0 अब 8 और 2 10 तो 2 5 10 ये आंसर हो गया तुम्हारा q का हो गया अब देखा जाए फिर नियामक निकालना किसका r का अब r लगे चलिए समझना सब लड़के उतार लिए जल्दी उतार दीजिएगा हां समझने में देर हो लेकिन उतार लिए फट से अब r लेके चलिएगा तो r के आगे में क्या भाग हो गया गिनिएगा 1 2 3 तो तीन भाग हो गया अब पीछे में क्या भाग हो गया एक भाग तो आप कहेगा कि r जो होगा वो आगे में ab को के अनुपात में मार दिया तो आगे हो गया तीन भाग तो कहेगा 3 आप पीछे में कितना 1 आगे हो गया देखिए 3 भाग आप पीछे में गया के भाग 1 भाग तो कहेगा कि r ab को 3 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो अब m के जगह पर 3 लेगा 1 के जगह पर के लोगे 1 लोगे तो यहां को अगर 3 से गुणा यहां करोगे करोगे ना तो हो गया 3 गुणा हो जाएगा 2 और 1 से गुणा यहां करोगे ठीक है तो हो जाएगा कितना जी बोलेगा तो 1 गुना हो गया -2 ठीक है यहां से 3 से हो गया 2 में और 1 से हो गया -2 में और नीचे तो हो गया 3 प्लस 1 ये तो जस्ट के तस रह गया चलिए बाय नाउ तो 3 से गुना कहां 8 में तो 3 गुना 8 हो गया और 1 से गुना कहां 2 में तो 1 गुना क्या हो गया 2 हो गया ठीक है ना किस देख लिया यहां से पहले 3 गुना 2 और 1 गुना -2 फिर हो गया 3 गुना 8 और 1 गुना 2 बोलेंगे सब लड़के तो यहां से आपका हो गया 3 गुनी 6 और प्लस माइनस माइनस 2 एक आए 2 है ना और बटे में 4 हो गया अब 8 3 हो जाएगा कितना 24 हो गया ठीक है और 2 एक आए हो गया 2 ठीक है अब 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4 और 24 से 2 कितना हो गया 26 हो गया हो गया कि नहीं तो ए हो गया देखा जाए 26 हो गया अभी 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4 4 से 4 कट गया तो यहां पर हो गया 13 बटे 2 अब आप लोग सोचिए कि यहां बताऊं r का निर्देशांक निकालते हुए चला गया नहीं आप वहां पर बताएं p का निर्देशांक निकाल दिया तो यही क्वेश्चन था कि उन बिंदुओं का माने एक से ज्यादा उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए जो रेखाखंड ab को चार बराबर भागों में विभाजित करता है तो ab को चार भाग में बांटने के लिए आपको बताओ तीन को बिंदु देना पड़ जाएगा अभी तीनों बिंदु का निर्देशांक तुमसे पूछ रहा था बस मैया तो इस तरह की मैथ जब रहे आपके सामने पूछता हो तो वहां पर एक से ज्यादा बिंदु का निर्देशांक निकालना होगा क्लियर है तो इस तरह की मैथ बना दोगे तुम लोग आप देखेंगे सेकंड जो क्वेश्चन आप लोग जो कॉपी में अभी लिखे हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 1 समझिए आप लोग तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रहते हैं तो ऐसे तरह से पार्ट बाय पार्ट बाय पार्ट करके उसका निकाल लेते हैं निर्देशांक क्लियर है
आप समझ लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम्हारा यही बोल रहा था कि एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है, ठीक है ना? जैसे कि देखिए, 4 माइनस 6 है, 3 माइनस 2 है, 5 है, 2 है, तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है। अब हमको कथा के सिद्ध करके दिखलाओ कि इसका कोई भी माध्यिका अगर खींचते हो तो बताओ त्रिभुज में माध्यिका क्या हो, तीन हो, तब कथा कोई भी माध्यिका अगर खींचा जाए तो अब माध्यिका इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। बताइए, जैसे कि यहाँ देखिए प्रश्न में बताओ बीसी भुजा पर हम एडी माध्यिका लिए हैं और माध्यिका लिए हैं एडी माध्यिका, तो माध्यिका मतलब समझते हो सुलटन है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाते हैं तो इसी को माध्यिका बोलते हैं, क्लियर है? तो एडी जो देख रहा है वह भुजा बीसी पर की क्या है, माध्यिका है। किस भुजा पर का? बीसी पर का। तो बीसी पर की माध्यिका कौन हो गया? एडी। एकर मतलब कि डी जो हो गया वो समझो कि बीसी का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, हो गया कि नहीं? आप अगर चाहते तो एसी भुजा पर भी माध्यिका ले सकते थे, अगर आपकी इच्छा है कि बी भुजा पर भी माध्यिका ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कारण कि यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला निकालते हो 1/2 आधार गुना शीर्षलंब, तो उसका तो सहारा लेना नहीं है, यहाँ पर तीनों शीर्षों का केवल निर्देशांक चाहिए, ठीक है? तो आप बताओ कि बीसी का मध्य बिंदु हो गया डी, तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला याद है ना, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। तब बी का निर्देशांक देखिए 3 है और यहाँ देखिए 5 है, तब हो गया डी का निर्देशांक निकालिएगा, तो यहाँ 3 यहाँ 5 मतलब x1 + x2 / 2 और -2 + 2 / 2, तब 5 + 3 = 8 में यानी 4 × 8 है, और +2 - 2 गया 0, 0 में 2 से भागा दिया हो गया 0, तब डी का निर्देशांक हो गया कितना, 4 0 हो गया कि नहीं? अब बताओ एटी माध्यिका जब खींचा तो इसके भाग में बढ़ गया, दो भाग बढ़ गया, तो ए को देखे त्रिभुज ई हो गया, ए को त्रिभुज ई हो गया, है कि नहीं? तो ए बी डी हो गया एक त्रिभुज, ठीक है? एक त्रिभुज कौन हो गया, ए बी डी हो गया, और एक वो ए सी डी कहिए चाहे ए डी सी कहिए। अब तुमको यही सिद्ध करना है कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर देखे लिखे एरिया ट्रायंगल एबीडी, एबीडी हाफ लगा दीजिएगा, यहाँ एक्स नियामक के दोनों में से वाई नियामक लेना है, तो 4 - -2 - हो गया 0, फिर यहाँ के बाद यहाँ में +3 लिया, तो यहाँ फिर चलिए 0, तो यहाँ हो गया, इतने दूर में घूम जाना है, बताए ना है ए बी डी, तो इतने दूर में घूम जाना है ए से बी पर, बी से डी पर, और डी से घूम जाना है ए पर, ठीक है? मतलब ए बी डी इतने दूर में घूमना है, तो यहाँ एक बार 4 ले लिए, एक बार 3 ले लिए, अब भी कौन ले लेंगे 4, तो यहाँ एक्स निर्देशांक, तो यहाँ वाई निर्देशांक -6, और यहाँ पर आ जाइए तब -2, तब -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 4 - 2 हो गया, यहाँ पर 6 + 18 हो गया, ये -6 + 2 - 4 हो गया, तो यहाँ 4 × 8 - 8 हो गया 18 हो गया, अच्छा 4 × 16 और 8 = 24 हो गया, +18 - 6 मोड़ के अंदर -6 बाहर निकल गया 6, तो द्वितीय 6 3 वर्ग 1 हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 3 वर्ग 1 का मतलब इसका भी क्षेत्रफल होना चाहिए 3 वर्ग 1। अब उसका भी निकाल दीजिए, फिर नोट कर लिए इतना आप लोग। अब चलिए बोलिएगा, तो यहाँ से कहोगे कि ए डी सी, देखिएगा सब लड़कन यहाँ नाम बदल दिए खाली, तो यहाँ से हो गया ए डी सी, चलिए हाफ लगा दीजिए, ए से शुरू किए अभी ऐसे घूम जाना है, ए से आना है डी पर, डी से सी पर, और सी से घूम के ए पर,
तो ए पर 4 ले लिया तो यहां लेना है 0 और यहां 2 ए लेना है तो हो गया देखिए 0 और -2 यहां के बाद यहां चलाइए यहां कितना है 4 यहां 4 लीजिएगा अब ए यहां पर आएंगे 2 और यहां पर -6 तो यहां पर हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 6 यहां हो गया यहां हो गया तो यहां जाइए यहां कितना निकल है 5 निकल है यहां से यहां जाइए तो -6 और 0 तो यहां देखा जाए 0 हो गया चलिए अब यहां पर हो गया 4 और यहां हो गया -2 ठीक है यहां 6 और 2 8 और 4 32 हो गया यहां जी अब आगे आइए तो यहां से हो गया 5 नहीं और यहां हो गया -6 हो गया कि नहीं तो यहां 4 गुणी 8 हो गया ये हो गया तुम्हारा 32 हो गया जी ठीक है और ये हो गया 6 बचे 30 तो यहां पर -30 हो गया अब 30 और 8 कितना हो गया 38 हो गया तब माइनस हो गया 38 और यहां प्लस हो गया कितना 32 हो गया अब यहां बताइए -38 प्लस 32 -6 हो गया यानी 3 गुणी 6 अब बोलिए तो दोनों का क्षेत्र बराबर हो गया कि नहीं इसलिए आप लास्ट में आप लोग क्या कहिएगा अतः यहां पर यही ना लिखोगे कि बोलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या थी ए बी डी नहीं ए बी डी अब बराबर हो गया देखा गया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ए डी सी क्या कहेगा ए डी सी ये बताइए ये पूरा त्रिभुज बताओ के भाग में बढ़ गया दो भाग में बढ़ गया कि नहीं तो यहां पर ये भी लिख सकते हो कि इसका को हाफ और ए इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया यानी ए बी सी अने एबीसी जो त्रिभुज था तुम्हारा के भाग में बढ़ गया दो भाग में और दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो गया कि नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारा यही कर रहा था तो चलिए समझिए हमने आपको तो इसके बाद फिर अगले दिन मिलेंगे आज क्लास पर एक बार स्टॉप करते हैं मतलब सभी बच्चों को गुड नाइट।